आज के इस वीडियो में बिहार सामान्य ज्ञान के लिए चौथा भाग लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके तीन पार्ट जो कि ऑलरेडी अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। और अगर आप इस साइट पर जाते हैं तो यहाँ पे आप इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे देखिए इसी तरह 25 क्वेश्चन एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन मिलेगा। इन चार ऑप्शनों को आपके स्क्रीन पर लगभग 2 से 3 सेकेंड तक दिखाया जाएगा। इन्हीं 2 से 3 सेकेंडों में आपको अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना होता है। 25 क्वेश्चनों को हल करने के अंत में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितना सही किया। पहला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। आपको पता होगा कि मौर्य काल के समय पे जो नालंदा विश्वविद्यालय है या फिर उससे पहले भी ये विश्व प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पे कई चाइनीज भी आए हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये किस लिए प्रसिद्ध था, कौन सी चीज़ के पढ़ाई के लिए, तो ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। सबको पता है कि जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, स्टार्टर थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार से ही हुई थी। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में है और ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। जो अजातशत्रु थे वो किस वंश के थे ये आपको बताना है। और यहाँ पर आपके चार ऑप्शन मिलता है, तो 2 सेकेंड के अंदर अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। तो अजातशत्रु थे हर्यक वंश के। आप देखेंगे तो ये जो हर्यक वंश है स्टार्टिंग में सबसे आपको पढ़ाया जाता है और अजातशत्रु इसी वंशज के थे। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी कब। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। तो ये बैठक हुई थी सन 1934 में। अगला क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था। मतलब कि सबको पता है कि इसका उस समय विनाश करवा दिया गया था, तो इसके विनाश के कारण कौन थे, कौन लोग इसको विनाश करवाए, तो वो थे मुसलमान। कुछ मुसलमान विदेशी राजा थे जो इसके विनाश का कारण बने। अगला क्वेश्चन कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ का परिवर्तन किया है। मतलब किसने अधिक नदी पथ का परिवर्तन किया है, मतलब रूट चेंज किया है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, और इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो अब तो बेहद आसान हो गया, ये है कोसी। कोसी नदी को सौरव बिहार कहा जाता है। इसी तरह जो दामोदर है इसे बंगाल का दुख कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया। तो तुरंत आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए, ये है हंस। मतलब कि गोपाल सिंह नेपाली थे, सुधा, प्रभात और दी मुरली, इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तुरंत कमेंट करके बताइए, ये था राल्फ फिंच था। अगला क्वेश्चन कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। देखिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए, और आपको बता दें कि इसके जो भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है आप उन्हें देख सकते हैं, और उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो महाकवि विद्यापति थे मध्यकाल से, और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन कौन से जिले के कुछ इलाकों में इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए। तो जो पूर्णिया है और मानभूमि इसके कुछ भागों को पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। अगला क्वेश्चन कि गुप्त सम्राट जिसने हुंडो को पराजित किया। तो ये था स्कंद गुप्त। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र कब दिया था। सारे क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड हैं। तो ये इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, मतलब कि 1942 में। अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति बने
और राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें खाद्य और कृषि मंत्री भी थे। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो राजेंद्र प्रसाद थे, राष्ट्रपति बनने से पहले ये कौन सा मंत्रालय इनके पास था जब अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में तब। तो ये है बिहार से, जो कि बेहद आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। तो ये माने जाते हैं ईश्वरी प्रसाद को, ईश्वरी प्रसाद को। अगला क्वेश्चन कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये है इंडिका। इंडिका को लिखा किसने था, ये भी कई बार पूछा गया है, तो मेगास्थनीज ने। अब आपके लिए क्वेश्चन है एक्स्ट्रा से, कमेंट करके बताइए। जो मेगास्थनीज था किसके शासनकाल में इंडिया आया था। आपको पता होगा कि ये सबसे पहला विदेशी है जिसने इंडिया पे एक बुक लिखा। अब आपको बताना है कि ये किसके शासनकाल में इंडिया आया था। अगला क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण कौन से पार्टी से थे। तो जयप्रकाश नारायण थे सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन कि अंतिम मौर्य सम्राट इनमें से कौन है। तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त, बृहदत्त। अगला क्वेश्चन कि दिनकर जी अपने किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सबको पता है कि जो दिनकर जी हैं बिहार से थे, रामधारी सिंह दिनकर। अब आपको बताना है कि ये कौन सी रचना से राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाने लगे। तो उनकी इस रचना का नाम था, जल्दी से कमेंट करके बताइए, रेणुका। रेणुका नाम था उनकी इस रचना का नाम। अगला क्वेश्चन कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। सम्राट अशोक के पिता, क्योंकि सबको पता है कि जो सम्राट अशोक थे वो मौर्य वंश से रिलेटेड थे और इन्हीं के समय पे कलिंग युद्ध हुआ। बात करें अगर बौद्ध काउंसिल की, तो इन्होंने तीसरा बौद्ध काउंसिल करवाया 251 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में। और ये कहाँ पे करवाया इसने, तो इन्होंने करवाया था पाटलिपुत्र में। अब आपको बताना है कि इनके पिता कौन थे। तो इनके पिता थे बिंदुसार। देखिए दो लोग होते हैं, एक बिंबसार और एक बिंदुसार। तो कई बार कई लोग बिंदुसार को बिंबसार से कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन जो अशोक के पिता थे उनका नाम था बिंदुसार, ना कि बिंबसार। अगला क्वेश्चन कि ईसा पूर्व 6ठी सदी के में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी। तो ये था वैशाली, वैशाली में। अगला क्वेश्चन कि अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। तो ये राज्य था अवंती। अगला क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयोग में लाई गई है। तो ये है पाली, और पाली ही क्यों, क्योंकि ये आम लोगों की भाषा थी, इसीलिए अशोक के शिलालेखों में इसको रखा गया है। और जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें अशोक का नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी मिलता है, कहीं पर भी अशोक नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो बात हो रही है लगभग लगभग बंगाल विभाजन के आसपास की, मतलब 1905 के करीब की बात है। लेकिन अब आपको यहाँ से 1905 में से तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, कमेंट करके बताइए। तो ये किया गया था 1908 में। अगला क्वेश्चन है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो ये थे श्री दीप नारायण सिंह। देखिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करिए। और इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है अभी हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। ये था आर्थिक स्थिति को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये है सरकारी एग्जाम डॉट मी, आपको इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको इसी वेबसाइट पे मिलता है। अगर आप इसे अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा, और अगर आप इसे अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखता है।
इसमें सबसे फायदे वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके नीचे जाने पर आपको जीके टेस्ट का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे ढेर सारे जीके के टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप जीके का टेस्ट दे सकते हैं। इसमें पॉलिटी जीके, कंप्यूटर जीके, इंडिया जीके और इस तरह के स्टेट वाइज जीके भी अपलोड किए गए हैं। इसके साथ ही जो वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाती है उसका पीडीएफ आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आके डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप किसी भी मटेरियल को या फिर किसी भी पेज को अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो आपको शेयर करने का लिंक सीधे उसी पेज पर नीचे मिल जाएगा। इसे आप व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पे बड़े ही आसानी से भेज पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।